गुड मॉर्निंग पीपल, क्या हाल है, कैसे हैं? बड़ा समय लग गया हमको आते आते, आ करके आपके कमेंट्स देख रहे थे बैठ करके, क्यों? क्योंकि हमारा नेटवर्क रीसेट हो रहा था। चलिए, बहुत बढ़िया, शुरू करें। आई तो शुरुआत करते हैं यार हम अपने करंट अफेयर्स की। ओके, बहुत सारे लोगों का आज एग्ज़ाम होगा, बहुत ही बढ़िया बात है यार। आप लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे अभी, जो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी आपको काम आ जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए शुरुआत करते हैं, देश दुनिया में क्या घटित हुआ इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले की घटना देखिए क्या हो रही है भैया, हो रहा है, सरकार को लगा यार कोयला बहुत हो गया है, अब एक काम करते हैं, ज़रा कोयले के आसपास पेड़ लगा देते हैं। तो बोले ठीक है, एक काम करते हैं कि यार एक नई योजना लेकर के आते हैं, उस नई योजना का नाम क्या रखेंगे? बोले यार ऐसा करते हैं, उस नई योजना का नाम हम रखेंगे क्या, वृक्षरोपण अभियान 2021। यानी आपको मालूम है इस समय हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब भाई साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब किसी अभियान को बोलें कि यार हम ये वाला अभियान मना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ होगा क्या, हर मिनिस्ट्री सोचे कि हम भी बढ़िया काम करें ताकि मंत्री जी की, प्राइम मिनिस्टर साहब की नज़रों में आ जाए, है ना, जैसे हम लोग करते थे, खूब बढ़िया काम करें या ताकि टीचर की नज़रों में आ जाए जाकर के स्कूल में। तो ऐसा बाकी सारे मिनिस्ट्री उनको उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं। तो इस समय प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। तो अब हर मिनिस्ट्री क्या कर रही है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। ये जो आप सामने देख रहे हैं वृक्षोपण अभियान, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया है, और इन्होंने बोला है कि जितनी भी कोल माइंस होती हैं भारत में, जितनी भी कोल फील्ड्स हैं, उन सब में क्या करेंगे, सबके आसपास की पूरी बेल्ट को हम ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। गो ग्रीन का नारा दिया हुआ है यहाँ पर, इनफैक्ट इन्होंने जो नारा दिया है वो गो ग्रीनिंग का नारा दिया है, पता नहीं काहे लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चले गए, इन्होंने नारा दिया है गो ग्रीनिंग। और इसके तहत ये लगभग 2400 हेक्टेयर का एरिया इसको ग्रीन कवर करने जा रहे हैं। और लॉन्च किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, इनका नाम क्या है, श्री प्रहलाद जी। अच्छा, दूसरी बात एक और चीज़ समझिएगा, इसके लिए कितनी प्लांटेशन साइट्स बनाई गई हैं यार, 300 प्लांटेशन साइट अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया इस काम के लिए डेजिग्नेट करी गई हैं, 300 प्लांटेशन साइट। ये एक बहुत बढ़िया होता है, मतलब बहुत ही गुड अमाउंट ऑफ प्लांटेशन साइट हो गए, 300 प्लांटेशन साइट। और आगे चल के ये क्या करेंगे पता है, इन्होंने बोला है कि देखिए ऐसा है, अभी तो हम खुद की अपनी तरफ से हम माइनिंग वगैरह, मतलब माइनिंग जो हो रही है उसमें प्लांटेशन हम अपनी तरफ से करा रहे हैं, आगे चल के हम लाइसेंस ही उसी कंपनी को देंगे जो माइनिंग करा रही होगी, हम लाइसेंस ही उसी कंपनी को देंगे जो कि जो ग्रीन बेल्ट आज हम प्लांट कर रहे हैं, आगे चल के वो उस ग्रीन बेल्ट की पूरी देखरेख करेंगी, उनके लिए मैंडेटरी होगा, और अगर वो देखरेख नहीं कर पाएंगी तो उनका माइनिंग का लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है। क्या बढ़िया बात है ये, है ना। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कोल माइंस भारत में कितनी क्या है। देखिए, कोल माइंस भारत में दो तरीके की, एक होती है गोंडवाना कोल माइंस। गोंडवाना का मतलब ये होता है, सबसे पुरानी धरती जब हुआ करती थी ना उसको गोंडवाना बोलते थे हम लोग। तो ये लगभग 250 मिलियन साल पुरानी जो कोल माइंस होती है उनको बोलते हैं गोंडवाना कोल माइंस। और फिर दूसरी आती है टर्शरी कोल माइंस। क्या हुआ, दूसरी आती है टर्शरी कोल माइंस। टर्शरी कोल माइंस क्या होती है, बोले यार नई कोल माइंस है, 10-15 मिलियन साल, मतलब इनका नया भी 10-15 मिलियन साल होता है। हमारे वहाँ तो हमारे पापा को सीधे बोलते हैं 30 साल, अरे पापा आप पुराने जमाने के, अभी आपको पता नहीं आजकल क्या चलता है, नया जमाना है ये। और यहाँ पर 15 मिलियन साल पुरानी कोल माइन को वो बोलते हैं कि वो नई कोल माइन है। चलिए बढ़िया बात है, पिताजी सुन लिए लेक्चर तो बोलेंगे यार सीखो जरा कुछ अपने लेक्चर से ही। खैर, तो जो गोंडवाना कोल माइंस हैं, भारत का 98% रिजर्व गोंडवाना कोल माइंस का ही है, और लगभग 2% रिजर्व जो है, 2% रिजर्व जो है, ये टर्शरी कोल माइन, इनको न्यू कोल माइंस बोलते हैं, जो 10-15 मिलियन साल पुरानी है इनका है। सबसे ज़्यादा कोल माइंस कहाँ पर है बताइए, भारत में सबसे ज़्यादा कोल माइंस कहाँ पर है, झारखंड में, फिर वेस्ट बंगाल में, आपने नाम सुना होगा बीरभूम, BIRBHUM, बीरभूम, ये है वेस्ट बंगाल में। झारखंड में है जिसका नाम है झरिया कोल माइन, ये आ जाता है। फिर आपका छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, इन सब जगह पर आपका कोल माइन एग्जिस्ट करती है। उत्तर प्रदेश में भी है, बोले तो अपना ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जो हमारा गोरखपुर वाला एरिया है उसके आसपास में, जो बिहार से बॉर्डर करता है, वहाँ पर कोल माइन्स हैं। चलिए, तो फिर इसी के साथ हम लोग आते हैं एक सवाल के ऊपर कि भाई डीपेस्ट कोल माइन भारत में कौन सी है बताइए, भारत में डीपेस्ट कोल माइन कौन सी है बताएंगे।
विच इज द डीपेस्ट कोल माइन इन इंडिया। देखिए वेस्ट बंगाल में है ये और इसका नाम है चीनापुरी वेस्ट बंगाल। ये सबसे पुरानी वेस्ट बंगाल, सबसे पुरानी, सबसे डीपेस्ट कोल माइन है। सबसे पुरानी बताइए रानीगंज, रानीगंज कोल माइन भारत की सबसे पुरानी कोल माइंस है। दूसरी अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी ये चीफ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, कहे के कोल के चीफ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए हैं। दूसरी अगर हम बात करें, ये देखिए चीनापुरी वेस्ट बंगाल में, दूसरी वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी है, रानीगंज हो गया, रानीगंज कोलफील्ड वेस्ट बंगाल में। रानीगंज सबसे पुरानी कोल माइंस है। रानीगंज की अगर मैं बात करूँ, रुकिए जरा पेन चूज कर लूँ, तो रानीगंज की अगर अपन बात करें ना तो ये सबसे पुरानी कोल माइंस होती हैं। फिर डालिंगकोट दार्जिलिंग में, बीरभूम ये भी वेस्ट बंगाल में है, चीनापुरी ये सबसे गहरी कोल माइन है। तो डीपेस्ट कोल माइन, ओल्डेस्ट कोल माइन, दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी चीफ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं सारे हमारे। मोस्टली वेस्ट बंगाल के पास जितनी भी हैं सारी की सारी गोंडवाना कोल माइंस हैं। गोंडवाना कोल माइन में खासियत क्या होती है, इसका एक तो जो कोयला होता है वो सूखा हुआ होता है, मॉइस्चर कम होता है। अगर किसी कोयले में मॉइस्चर कम होगा ना तो बड़ा रेडिली जलता है वो और धुआं कम प्रोड्यूस करता है। दूसरा सल्फर कंटेंट, फास्फोरस कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है इनमें, गोंडवाना कोल में। फिर देख रहे हैं इंडिया का रैंक बताइए कोल प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में कितना है भारत। आप पहले प्रोड्यूसर्स का बताइए। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है। आप लोग किसको एग्जाम देने भेज रहे इतनी देर से, हम ये देख रहे हैं। हाँ हाँ, अरे अच्छा, बहुत बढ़िया, चलिए शिवानी ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया से पेपर देकर के आइए आप, एकदम बवाल एकदम। बस अपना पेपर देकर जब आना ना तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, आपको बस वहाँ जा करके एंजॉय करना है कि बस आपको, हाँ वहाँ जाना है और खुशी खुशी करना है कि आपने जो तैयारी करी है आपको खुद में पेपर देने में अच्छा लगे। ये सबके लिए एक मेरा मैसेज है, अपने आप को बहुत प्रेस ऑन मत करना कि नहीं नहीं 80 अटेम्प्ट करना है, नहीं नहीं 85 अटेम्प्ट करना है, नहीं इतना अटेंड करिए कि आपको खुद में बिल्कुल एकदम खुशी हो कि हाँ मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मतलब आती हुई चीज़ छोड़ी नहीं, जो नहीं आती कोई बात नहीं लेकिन आती हुई चीज़ मैंने कोई छोड़ी नहीं। बस अगर इस कॉन्फिडेंस के संग आप पेपर दे रहे हैं ना तो आपको खुद में खुशी फील होगी। डजेंट मैटर आपके अटेम्प्ट कितने होंगे लेकिन आपको खुशी फील होगी कि हाँ मैंने अपने एफर्ट्स के संग ईमानदारी करी है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसर्स। देखिए भारत दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ कोल आता है, इंडोनेशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ कोल आता है। मैंने एक लिस्ट बनाई है, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं, भारत दूसरे नंबर पर कोल प्रोड्यूसर है। ये देखिए इंडिया सेकेंड नंबर पर सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर है चाइना के बाद में, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और उसके बाद आप देखिए फिर भारत प्रोड्यूस करता है कोल, फिर यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूस करता है, इंडोनेशिया चौथे नंबर का प्रोड्यूसर है और इंडोनेशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इन कोल है। इसका एक कारण है, देखिए कोल का मैक्सिमम इस्तेमाल जो होता है वो होता है आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में और रेलवे लाइंस में, ये मैक्सिमम इस्तेमाल होता है। अब इंडोनेशिया की जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स हैं वो नॉर्मली इनकी विंड एनर्जी कह रहा हूँ, टाइडल एनर्जी से बहुत ज़्यादा पूरी हो जाती है, क्योंकि ये पूरी कंट्री आर्चिपेलागो है। आप जानते हैं 119 आइलैंड्स को मिला करके इंडोनेशिया बनता है। अब 119 आइलैंड इनके पास वैसे भी हैं तो यहाँ पर मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आप बात करेंगे तो यार मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो इनके पास वैसे भी क्या चीज़ है, इनके पास वाटर बोट्स होती हैं। ये लोग बोट में, आप कहाँ रेलवे लाइन डालेंगे, एक 120 आइलैंड है, पता चला हम यहाँ रहते हैं हमारी मामी दूसरे आइलैंड पर रहती है, हमारा चाचा दूसरे आइलैंड पर रहता है। भाई साहब सुनने में ऐसा लग रहा वो भाई क्या मस्त एकदम भोगाली फैमिली है कि सबके एक एक आइलैंड हो रखे हैं, लेकिन अब हम उनके क्या पता है यार, मतलब बाहरी लोगों को क्या पता कि भैया असलियत क्या है, जो पूरी कंट्री ही ऐसे रहती है। सुनने में लगता था भाई साहब रिची रिच फैमिली में कतई पूर्व पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो वो लोग बोट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके पास रेलवे में भी इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती उनको, इसलिए इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा कोल एक्सपोर्टर बना हुआ है। क्लियर हो गई बात बढ़िया से। आई नेक्स्ट कहानी आते हैं यार, लीजिए भाई हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट हमारा बन गया है, बाकी सब ठीक है, बस इसका डिज़ाइन बड़ा मुझे पता नहीं क्यों लेकिन एक स्कूबी डू की याद दिलाता है यार इसका डिज़ाइन मुझे। खैर अब देखिएगा ये एक 19 सीटर HAL ने एक एयरक्राफ्ट बनाया है। आपसे सवाल पूछता है भाई कि बताओ किसने बनाया है, HAL ने बनाया है, किस लिए बनाया है। ये एक तो विमान का नाम आपसे, क्योंकि यार इस बार हर उसमें HAL और DRDO द्वारा बनाई गई चीज़ों के बारे में पूछा ही गया है हर उसमें। अच्छा एक खास बात है, जानते हैं जो पढ़ाई आप अभी करते हैं वो कब पे ऑफ करे आपको पता नहीं होता। जैसे एक खास बात आपको याद होगी, IB के टाइम पर हम लोगों ने बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी थी HAL की, DRDO की। उस समय तो डिफेंस न्यूज़ नहीं आई IB के पेपर में, जबकि एक्सपेक्टेड था कि कंप्लीट डिफेंस न्यूज़ आएगी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस बार हर शिफ्ट में एक ना एक डिफेंस न्यूज़ का क्वेश्चन है ही है, यानी DRDO का सवाल है, HAL का सवाल है, ISRO का सवाल है, एक ना एक सवाल है ही है हर शिफ्ट में।
ज्ञान बर्बाद नहीं होता, ज्ञान कब काम आ जाए, उस समय लग रहा था अरे यार ये तो डिफेंस न्यूज़ आई नहीं, जबकि डिफेंस न्यूज़ तो हमने इतनी ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने पढ़ी थी, मैंने पूरी डिफेंस न्यूज़ आपको कवर हम लोगों ने करी थी। और अब देखिए हर वो चीज़ जो उस समय पढ़ी थी डिफेंस न्यूज़ में, वो अब कहीं ना कहीं काम आ रही। तो ये बहुत एक सीख है यार, ज्ञान काम आता ही आता है। अच्छा HAL की बात करता हूँ। देखिए HAL का मतलब क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये साहब एक प्राइवेट कंपनी थी जो नेशनलाइज हो गई बाद में, वालचंद हीराचंद साहब ने इसको फॉर्म किया था। सोच रहे प्राइवेट प्लेन की कंपनी, हमारे पापा तो अगर हलवाई की भी दुकान खरीदनी होती तो हमारे दादाजी पैसे देते कि नहीं देते इस बात में कोई पक्का नहीं है। और हमारे पिताजी ने खोला था एक बढ़िया टाइपिंग इंस्टीट्यूट खोला था। और यहाँ पर मैं ये सोचता हूँ कि यार इनके घर वाले कैसे ऐसे मान जाते हैं। वालचंद हीराचंद साहब ने 1964 में इन्होंने HAL यानी एक प्लेन बनाने की कंपनी खोल दी थी। सोच भी नहीं सकते यार हमारे तो ऐसा। ये देखिए विजन की कितनी बड़ी पावर होती है, ये सिर्फ और सिर्फ विजन की पावर का बात है। आप जितना बड़ा सोचेंगे उतने ही बड़े आप बनेंगे, और जितना छोटा आप सोचेंगे उतने छोटे ही आप बनेंगे। तो HAL ने ये हिंदुस्तान 228 एक 19 सीटर मल्टी रोल यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल का मतलब क्या हुआ, यानी कि साहब ये मल्टी रोल यूटिलिटी एयरक्राफ्ट का मतलब ये है कि भाई अगर मान लीजिए कभी किसी भी स्टेट के गेस्ट को, या मान लीजिए कैबिनेट सेक्रेटरी हैं स्टेट के, भाई उनको कहीं पर जाना है तो वो जा सकते हैं उस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके। VIPs को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स माने करतब दिखाने में, बेसिकली पैरा जंपिंग हो गया, या ऊपर से हमें सर्वेलांस करना है कहीं बाढ़ आई हुई है, इसको बोलते हैं एरियल सर्वेलांस, जो मंत्री जी लोग करते हैं, तो एरियल सर्वेलांस में भी ये काम आ सकता है। ये सारे काम जो है ये HAL का ये एयरक्राफ्ट करेगा। और किसके लिए हो रहा है ये DGCA के लिए हो रहा है दोस्त, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के लिए टेस्ट करा जा रहा है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ किसके लिए हो रहा है, तो DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। बोलिए बात समझ में आ गई बढ़िया से, आइए। अच्छा जी, ये बहुत कुछ सिखाती है यार कि अगर उसको थोड़ा डीप में जा करके सोचिए, कतई हमको महाभारत जैसी लगती है। महाभारत की खासियत जानते हैं क्या है, महाभारत की एक खासियत है कि आप महाभारत में हर एक लाइन आपको बहुत कुछ सिखा देगी, हर एक लाइन। और इसमें इतने हीरो और विलन हैं, लेकिन आप किसी को ना हीरो बोल पाएंगे ना किसी को विलन बोल पाएंगे, क्योंकि हर कोई अपनी जगह सही है। तो यही चीज होती है, यहां पर भी हर न्यूज बहुत कुछ सिखा जाती है। आइए अच्छा यहां पर देखते हैं यार, वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन टू यूज टैक्सी बॉट क्या है। टैक्सी बॉट क्या है साहब, टैक्सी बॉट का मतलब ये होता है, जानते हैं जब एयरपोर्ट रन टैक्सी पे होता है, रनवे टैक्सी का मतलब ये होता है जब एयरप्लेन सब एक जगह पर लग जाते हैं ना, इधर 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 इधर, मतलब इधर इधर का मतलब क्या है यार बाप, ऐसे इधर इधर क्या बता रहा हूँ मैं, यानी कि जब एयरपोर्ट के चारों ओर पार्किंग में खड़े हो जाते हैं। मुद्दे की बात ये है, एयरपोर्ट का एयरप्लेन का टैक्सी में होने का मतलब ये होता है एयरप्लेन का अपनी पार्किंग में खड़े होना, और पार्किंग से लेकर के रनवे तक आने के लिए एक टैक्सी बॉट का मतलब ये होता है कि टैक्सी मतलब जो उसको लेकर के आ रहा है, बॉट मतलब वो एक रोबोट है, तो ये एक रोबोट टैक्सी है। तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले आप जान करके शायद हैरान हो, ये एयर इंडिया ने किया था, यानी एक सरकारी एयरलाइन ने इसका ये कहानी जो है, एक सरकारी एयरलाइन ने इसकी शुरुआत करी थी। बढ़िया बात है, चलिए बहुत अच्छी बात। अच्छा आज मैं आपको पूरा अफगानिस्तान वाली जो कहानी है, आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे यार ये अफगानिस्तान तालिबान इशू क्या है, तो आज हम लोग दोपहर में डिटेल में अफगानिस्तान तालिबान इशू क्या है इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, और आपको पूरी कहानी इन एंड आउट क्लियर हो जाएगी दैट व्हाट इज दिस अफगानिस्तान तालिबान इशू। ठीक बात है, चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। ये देखिएगा A320 एयरक्राफ्ट है, पैसेंजर ऑन बोर्ड। टैक्सी बॉट का मतलब क्या होता है आप समझ चुके हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फादर ऑफ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, यहाँ पर एक नाम और आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन ई भी डाल लीजिए, वालचंद हीराचंद। ऑप्शन ई डाल लीजिए, वालचंद हीराचंद, WH वालचंद हीराचंद, ये भी आप यहां पर ऐड कर लेंगे। अब बताइए कि यार इसमें किसको फादर ऑफ, देखिए फादर ऑफ इंडियन नेवी किसको बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज साहब को। और अगर मैं बात करूं फादर ऑफ इंडियन एविएशन किसको बोलते हैं, अब बताइएगा JRD टाटा, RD टाटा, या फिर दुराबजी टाटा। आप देख रहे हैं हर बार में से टाटा फैमिली का नाम अगर आप देखें, सबसे पहले है JRD टाटा, फिर उसमें से एक जे चला गया, फिर आए RD टाटा, फिर उसमें से एक R चला गया, फिर आए सीधे दुराबजी टाटा, यानी उसमें से अभी उसमें से D चला जाएगा, और अब कौन आएंगे, सीधे टाटा, अब क्या होगा, सिंपली टाटा। चलिए तो खैर एनीवे, तो यार यहाँ पर आंसर, हाँ हाँ हाँ
चलो तो हमारे पास में वालचंद हीराचंद, रे फंस गए भाई, यही तो नहीं होना था, वालचंद हीराचंद इज नॉट द आंसर। यार इसका मतलब ये बताओ, अगर हम एक ऑप्शन और ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या ये होता है कि भाई हाँ यही आंसर है क्योंकि सर ने एक्स्ट्रा ऐड किया, या बिन मतलब के एसीपी प्रद्युमन क्यों ऐड करते हैं, कुछ तो है दया, या आंसर नया डाल दिया है इन्होंने यार। अरे नहीं भाई, जेआरडी टाटा, इनका पूरा नाम देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जहांगीर रतनजी दोराबजी दादा भाई टाटा, ये इनका पूरा नाम है जेआरडी टाटा का। और इन्होंने सबसे पहले कमर्शियल पायलट इन्होंने बने ये 10 फरवरी 1929। सोचिए हमारे कजिन को पायलट ज्वाइन करना था तो कतई घर में हाहाकार मच गया था। एक को पायलट की नौकरी ज्वाइन करनी थी और एक को ये पायलट को ये समझा जा रहा था कि यार अरे पायलट क्या ट्रेन प्लेन उड़ाने में क्या है भाई, प्लेन उड़ाएंगे अभी उसको, मतलब ऐसा लग रहा था रिस्की एक जॉब है यार, प्लेन उड़ाने की क्या जरूरत है। तो हमारे कजिन को अब इतना भिड़ना पड़ गया ये यहाँ पर, हम जब ये न्यूज़ पढ़े उनका बताओ भाई बिन मतलब में हमारा कजिन है अभिषेक, उसको इतना भिड़ना पड़ गया और इनको 10 फरवरी 1929 में ही लाइसेंस ले लिया था इन्होंने। ही वॉज दी फाउंडर ऑफ इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक कैरियर एयर इंडिया, जो कि बाद में सरकारी बन गई थी 1932 में, यानी 3 साल बाद ही इन्होंने अपनी कंपनी डाल दी। बढ़िया हिसाब किताब है, पहले लाइसेंस लिया यानी खुद पायलट थे फिर इन्होंने कंपनी डाल दी, सही बात है। अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, आज जनवरी की क्लास नहीं होगी, अरे सब होगा साहब, सब होगा, धीमे धीमे करके होगा। आज तो हम शायद रिवर्स कर रहे हैं और वहाँ आप चाहें तो हम जनवरी भी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक आपके ऊपर है, जो आप चाहेंगे वही होगा यार। आओ आगे बढ़ते हैं भाई, फिर देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नींद से जाग गया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोल रहा है भाई अफगान क्राइसिस के अगेंस्ट यूनाइट हो। अब ये अफगान क्राइसिस क्या है, अब अफगानी तालिबान बोलते हैं कि भैया हम तो शरिया लॉ फॉलो कर रहे हैं। शरिया लॉ क्या है? शरिया लॉ वो लॉ है जो कि कुरान में, वो बोलते हैं कि ऐसा कुरान में लिखा हुआ है, शरिया लॉ है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इसलिए इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म अभी नहीं मिल रहा है, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो बहुत हैविली इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हैं, हैविली क्या मतलब, कई जगह तो क्रिटिसाइज कर ही नहीं रही हैं, बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो उनका कहना है कि वो तो शरिया लॉ फॉलो कर रहे हैं और शरिया लॉ तो ठीक है भाई, मतलब इन सारी चीज़ों की इजाज़त है, ऐसा उनका बोलना है कि वो बोलते हैं कि भाई ये सारी चीज़ों का तो इजाज़त है जो भी हम कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से शरिया लॉ है। खैर अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की गुड मॉर्निंग हो चुकी है, नींद से जाग गया है और वो बोल रहा है कि भाई सबको साथ में आना चाहिए और अफगानिस्तान क्राइसिस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। पीस टॉक्स की बात कर रहा है कि भाई तालिबान के साथ पीस टॉक्स करिए और ये और सब, आपको क्या लग रहा है सब अफगानिस्तान के लिए चिंता में है? नहीं यार, दुनिया में चिंता इस समय जानते हैं क्या है भाई, एक मिनट, पहली चीज, एक तो मिलिटेंट्स ने एग्जाम्पल सेट किया है, समझिएगा यहां पर, देखिए एक तो एग्जाम्पल, ये कौन है बड़ा प्रो आदमी, हाँ गौरव दे, फोटो में डेविड मालपास है क्या, आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे अरे फोटो में डेविड मालपास है क्या, बड़ा बदल गया यार है, खाना वाना नहीं खा रहा है क्या आजकल, अरे ऐसे यार ये बढ़िया यार, फोटो से पहचान लेते हैं आप, अच्छी बात है। खैर बड़ा ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप बहुत प्यार से जानते हैं यार, पहले कैसा दिखता था अभी कैसा दिख रहा है। अच्छा देखिए तो खैर यहाँ पर क्या हो रहा है, बोले कि ये हर चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला कि भाई जो भी ये फोर्स गवर्नमेंट फॉर्मेशन है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। अब आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है दोस्त, जैसे अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर किसी सरकार को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही है तो वो उस सरकार के संग ना तो बिजनेस कर सकती है ना तो ट्रीटी कर सकती है। अब देखिए आयरनी देखिए, ये कितना मजाक बना हुआ है इस समय दुनिया में, एक तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये बोलता है कि हम तुमको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर, हम तुम्हारा वजूद ही नहीं पहचानेंगे, ये बिल्कुल वही बात हो गई जैसे भारत में क्या होता है, जब कोई इंसान जिंदा होता है लेकिन अगर पेपर्स में वो मर जाता है ना तो वो अपना पेपर लेकर सामने आता, बोलता भाई साहब मैं जिंदा हूँ, वो बोलते हैं तो क्या हुआ, पेपर तो बोल रहा है तुम मर चुके हो और सरकार पेपरों पर चलती है, तो बिल्कुल वही वाली कहानी है। ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा वजूद रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ऊपर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर जो कि है चाइना बोलता है हम तो तुमसे दोस्ती रखेंगे, हम तो तुमसे तुम्हारे संग दोस्ताना संबंध रखेंगे, कैसा मजाक है यार, क्या आयरनी है। दूसरी आयरनी अगर आप देखेंगे इंटरनेट रूल्स की बात करें, आपको मालूम है तालिबान का एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ना, सोचिए तालिबान का एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और हमारे साथ कितने सारे लोगों के यहाँ पर, इनफैक्ट एक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं यार, इनका ट्विटर हैंडल सस्पेंड हो गया लेकिन तालिबान का एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी है।
रूल्स, क्या गजब के रूल्स हैं ये। तो ये आयरनी देखिए सोचिए दुनिया में इस समय क्या मस्त चल रही है। अच्छा खैर, अब हम आपको ये बता रहे थे कि ये क्यों परेशान है, सबकी दुनिया की एकदम हालत क्यों टाइट है। तालिबान ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेटअप कर दिया है कि मिलिटेंसी से किसी कंट्री के ऊपर कब्जा किया जा सकता है। ठीक, अब इस समय बहुत सारे देशों के मिलिटेंट्स इस बात को एक एग्जाम्पल की तरीके से देख रहे हैं कि यार ये तो किया जा सकता है, यानी आतंकवाद से कंट्री के ऊपर कब्जा किया जा सकता है। तो अब ऐसा भाई ये मानना है कि ऐसा हो सकता है कि तरह तरह की जगहों पर ऐसे मिलिटेंसी वाली चीज़ें और ज़्यादा उठना शुरू हो जाएं। एक ये कहानी हो रही है। दूसरा, सबकी हालत ख़राब है, ऐसा ना हो जाए ये तालिबानी अपने बॉर्डर क्रॉस कर दें। अगर इन्होंने बॉर्डर एक्सपेंशन पॉलिसी अडॉप्ट कर ली जैसे चाइना करता है तो कहाँ जाएंगे ये, तो तुरंत का तुरंत इनके मार खाएंगे। इनके तो 16 साल के लड़के बम लिए घूमते हैं, हमको तो अपने बच्चों को पढ़ाना है, इनको तो पढ़ाना नहीं है, इनको तो पता नहीं क्या ही पढ़ाना है। तो सबको परेशानी इस बात की भी है कि अगर इन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर दिया, अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके ये फैलना शुरू हो गए, तो सबसे पहले जाएंगे ये पाकिस्तान। और कल को अगर तालिबान, पाकिस्तान और चाइना ये सब मिल गए तो ये सब इंडिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं। कश्मीर तो तुरंत ये अटैक करेंगे, वापस लेने के लिए तुरंत ये कहानी शुरू कर देंगे। सो दीज आर सम टेंस एनवायरमेंट। ये थोड़ी सी मुश्किलात वाली बातें हैं जो आगे चलने वाले समय में कुछ हो सकती हैं। देखिए सरकारें क्या करती हैं, लेट्स सी। आइए अच्छा नेक्स्ट पर आते हैं। ओहो हो, हम अटक कब गए ये बताओ, ऐसा इतना आंखें। चलिए अब ठीक है, आए अब सही है ना, हम इतनी देर से अटके हुए हैं यार। रे 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 बताओ भाई साहब, ऐसा अटका करें तो बता दिया करो यार। एक्चुअल में वो फ़ोन नीचे रख रहा था, हम कमेंट देख नहीं पाते हैं। आपको हम पूरी कहानी बताएंगे आज, जब हम आप समझेंगे क्यों चाइना, रशिया ये सब क्यों सपोर्ट कर देते हैं तालिबान को इसके बारे में। मतलब यार दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कितनी बड़ी कहानी को ये लोग चरितार्थ कर रहे हैं। ये हम लोग आज दोपहर में जब हम अफगानिस्तान, तालिबान ये सब इशू पढ़ेंगे तब बात करेंगे। आइए अच्छा थोड़ा सा अफगानिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं, और UNSC ने अपना स्टेप क्या लिया इसके बारे में बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने तालिबान से रिक्वेस्ट करा है कि देखो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको भाई आप काम करने दीजिए, और दूसरी चीज़ है कि भाई आप, हम आपको एड वगैरह सब भेज देंगे, हम आपको मदद भेज देंगे, लेकिन लोगों को ऐसा नरसंहार वगैरह वहाँ पर मत करिएगा, और महिलाओं को स्कूल वगैरह भेजने दीजिए। उनका देखिए तालिबानियों का फिक्स है कि बोलते हैं कि महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त नहीं है, उन्हें एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, उन्हें जॉब्स नहीं होने चाहिए, सर से पांव तक कवर होनी चाहिए। इस तरीके की कई सारे एट्रोसिटीज़ हैं जो उनका मानना है कि ये होनी चाहिए, तालिबानियों का ऐसा मानना है। तो खैर इसी के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला है कि ऐसा मत करिए भाई, ये गलत है। अफगानिस्तान के बारे में बात करूँ तो इसकी कैपिटल क्या है, काबुल, और किसके किसके संग इसके बॉर्डर्स होते हैं। इसके बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के साथ में, देन ईरान के साथ में, तुर्कमेनिस्तान के साथ में, उज्बेकिस्तान के साथ में, तजिकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में, ये सारे इनके मेन बॉर्डर्स हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इनकी, पाश्तो और दारी। करेंसी क्या है, अफगानी। बहुत बढ़िया, अब देखते हैं यार सवाल कैसे बन सकते हैं हम सारे यहाँ से, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए सही है। इनके 15 मेंबर होते हैं, इनके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो मंथली रोटेशनल बेसिस पे यहाँ पर प्रेसिडेंटशिप चेंज होती रहती है। ये बिल्कुल सही बात है, इनके 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इसकी प्रेसिडेंटशिप तो चेंज होती रहती है, लेकिन सेक्रेटरी जनरल क्या फिर ये भी हर महीने चेंज होते रहते हैं? नहीं यार, ये 5 साल के बेसिस के लिए फिक्स होते हैं, ये हर 5 साल पे चेंज होते हैं। ठीक बात है, बढ़िया। नेक्स्ट पर आते हैं, इसमें से यहां पर बताएंगे इनमें से कौन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, बताएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। इनमें से कौन परमानेंट मेंबर है, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा या यूएस, या फ्रांस, जर्मनी, रशिया। देखो सबसे पहले देखो चाइना कहाँ पर है, चाइना तो सब में है, और इंडिया तो है नहीं, देखो एलिमिनेशन से कर सकते, नाइजीरिया भी नहीं है परमानेंट मेंबर। अब या तो ये है या फिर ये है, लेकिन यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर्स हो जाएंगे, यानी सही आंसर क्या होगा, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। भारत के पास भी ऑप्शन आया था, भारत के पास जब ऑप्शन आया था कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन जाइए, और ये भारत को ऑफर और किसी ने नहीं, ये यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफर दिया था कि भाई आप बन जाइए। चाइना भी उस समय बनना चाह रहा था, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने बोला कि देखिए चाइना हमारा बड़ा भाई है, और बड़ा भाई पहले गद्दी पर ना बैठे और छोटा भाई गद्दी पर बैठ जाए, ये बात
कल्चरली हमारे लिए सही नहीं है। उनको लगा था कि ऐसा करने से चाइना एकदम खुश हो जाएगा और कोई भी हमारे लिए कभी भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं पोस्ट करेगा, वो जीवन भर ये बात याद रखेगा, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन ऐसा हो ना सका और उन्होंने सीट भी ले ली। उसके बाद बोले हाँ आप बताओ भाई इंडिया वालों कहाँ कौन सी जमीन हमारी बाकी रह गई थी जिसको हमें लेना है, ये वाली जमीन अभी भी हमारी है, तब भी हमारी थी, और अब सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंच कर हम और तेजी से इसको ले पाएंगे। और तब भारत से वासी से ये गद्दी छिन गई थी। इनफैक्ट ये ऑफर दो बार आया, पहली बार जब नेहरू साहब ने मना किया, फिर यह हुआ कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा चाइना को भी नहीं दी गई, इंडिया को भी नहीं दी गई। दूसरी बार फिर आया यहाँ पर, फिर नेहरू साहब ने मना किया, नहीं भाई हम तो अपने पुराने स्टैंड पर ही हैं, ये चाइना को ही मिलना चाहिए, ये भारत तो छोटा भाई है चाइना का। ठीक है लो बल कर लो भाई, हैं भाई बंधुआ कर लो, हम ऐसा करते हैं बड़े भाई को ही दे देते हैं, वो ख्याल रख लेगा, फिर जैसा भी ख्याल रखे कहना मत, फिर रोने मत आना। चलिए आगे आते हैं। अच्छा तो हाँ, बड़ा भाई कमाल दिखा रहा है अपना। गाजा मिलिटेंट्स ने फायर किया है रॉकेट इसराइल पे। यार ये लोग कितना उत्पात मचाते हैं, इनसे शांति से बैठा ही नहीं जाता। अब फिर यार यहाँ पर अभी इतने टाइम तक ये इसराइल गाजा ये सब चल रहा था, 16 अगस्त को गाजा स्ट्रिप पर, फिर गाजा स्ट्रिप अगर आप कन्फ्यूज हैं कहाँ पर है तो ये देखिए ये है यार, आप यहाँ पर ये पतली सी स्ट्रिप देख रहे हैं। अब हम आपको पहले कहानी बता देते हैं फिर हम इसके ऊपर चलते हैं। देखिएगा तो 16 अगस्त की बात है, गाजा स्ट्रिप, ये मिलिटेंट गाजा में मिलिटेंट्स रह रहे हैं जो कि इसराइल और फलस्तीन जो इशू चल रहा है, इनके जो मिलिटेंट्स हैं जो आतंकवादी हैं ये कहाँ रह रहे हैं, गाजा स्ट्रिप पे रह रहे हैं, डिस्प्यूटेड स्ट्रिप है ये, तो इसराइल पे रॉकेट्स फायर करें। अब वैसे तो इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये गाजा स्ट्रिप में एक मिलिटेंट ग्रुप है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट ग्रुप है हमास। आपने देखा मैंने अभी अभी आपसे क्या बोला था, जस्ट अभी बोला था कि यार ये जो 15 अगस्त को जो चीज़ हुई है दुनिया में इसका मैसेज बहुत ख़राब जाएगा। दुनिया भर की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो मिलिटेंट्स हैं, इनको पता नहीं चाहिए क्या, तो ये अब इन ये इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि यार ऐसा मिलिटेंसी से किसी भी स्टेट के ऊपर कब्जा किया जा सकता है। और 15 अगस्त की ये बात है, 16 अगस्त को देखिए गाजा में कहानी शुरू हो गई है। डर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को यही है कि यार ये चीज़ पूरी दुनिया में ना शुरू हो जाए, इसको एज अ लेसन ना देखा जाए। तो खैर रॉकेट्स को खैर आयरन डोम इंटरसेप्टर ने इसको इसराइल की टेरिटरी में गिरे, इसके पहले आप जानते हैं इसराइल के पास एक अम्ब्रेला है जिसको बोलते हैं आयरन डोम, उसने पहले ही रोक दिया। और पूरा मई 2021 के बाद ये पहला ऐसा अटैक है जो कि हो रहा है, और ये राइट आफ्टर 15 अगस्त आ रहा है, ये बात बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। खैर अभी इसराइल ने ये भी बोल दिया है कि ये नहीं कि हम देखेंगे या हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, बोले नहीं जहां से भी आया है हम वहां घुस करके मारेंगे, और जिस भी जगह से हमारे ड्रोन्स ने इंटरसेप्ट किया है कि ये इस जगह से आया है उसको हम पूरा उड़ा देंगे, हम छोड़ेंगे ही नहीं कोई भी, पूरी तरीके से हम निपटा देंगे इनको। ये बढ़िया है यार, सीधे इस तरीके के मैटर्स में ना यू डोंट हैव टू वेट कभी नहीं। मैंने कल भी आपको बताया था दो तीन चीज़ें होती हैं, जैसे रेफ्यूजीज में आप स्टार्टिंग में कभी आप अपना मन मत पसीजिए, एक बार को देखने में लगता है यार क्या करें यार ये तो, लेकिन आगे जाकर के वही रिफ्यूजी समस्या क्रिएट करते हैं। दूसरा अगर आपके ऊपर कोई भी अटैक होता है तो आप वेट मत करिए, अगर आपको पूरी तरीके से गो विद दी ऑल फोर्स, मदरलैंड का प्रोटेक्शन इज द सुप्रीम प्रोटेक्शन, उसके ऊपर कोई भी चांस नहीं लेने का है। आइए यहाँ पर आते हैं। हु वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल शॉर्टली आफ्टर इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। बेंजामिन नेतन्याहू साहब तो मतलब हट गए थे, चार टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप इनका हो गया था, इनका आंसर क्या आएगा, नफ्ताली बेनेट। ठीक बात है, आइए ये, और बेंजामिन नेतन्याहू को होने एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। इस समय के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, प्रेसिडेंट का नाम है आइजैक हर्जोग। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अच्छा इनमें से कौन सी होली साइट इसराइल में लोकेटेड है, बताएंगे इनमें से कौन सी साइट होली साइट है जो यहाँ पर है, मक्का है, टेंपल माउंट है, मदीना है, या फिर क्या है। जी बहुत बढ़िया, आंसर आप लोग सही दे रहे हैं, बहुत अच्छा। आप थोड़ा लेट आ रहे हैं दोस्त, आप लोग ना सुबह 7 बजे रेगुलरली आया करो, मॉर्निंग 7 AM टाइम है हमारे करंट अफेयर्स का, तो कोशिश करा करिए कि 7 बजे आप लोग एकदम मस्त एकदम बढ़िया आ जाया करें, तो बहुत बढ़िया चीज़ होगी, है ना। अच्छा अब देखो यार, तो होली साइट इसराइल में कौन सी है दोस्त, इसका नाम है टेम्पल माउंट। और टेम्पल माउंट, खास बात सुनना यार, टेम्पल माउंट तो नाम है, और टेम्पल माउंट एक कंपाउंड का नाम है जिसमें पता है क्या है, एक मस्जिद है, एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, और एक है डोम ऑफ रॉक, डोम ऑफ चेन, और अल अक्सा मॉस्क, ये तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। तो टेम्पल माउंट, मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में है, और मक्का मदीना में खुद में लगभग 400 किलोमीटर का अंतर है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने यहाँ नोट कर दिए, कर लिया।
वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हमारी कहानी आज की होती है पूरी तरीके से खत्म। ठीक, मलेशिया के एक नए प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है, तो उनके बारे में आप नया नाम अब देखिए किसने रिजाइन किया है, मुहियुद्दीन यासीन, इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब देखिए रिजाइन कर दिया, अब नया मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर कब आएगा तब हमारे लिए वो न्यूज बनेगी। ठीक बात है, ये है यार आपके आज के करंट अफेयर्स पूर्णतः समाप्त। अच्छा, आप लोगों के लिए एक और खास बात बता दूं कि आप लोगों के लिए, आप लोगों की जो क्लास है, स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास आज ऑर्गेनाइज जो है यार, ये है आपकी किसके ऊपर, ये आपकी रिवर्स के ऊपर मैं ले रहा हूँ, और आपका जनवरी का करंट अफेयर्स जो बचा हुआ है वो भी करा देंगे आप चाहेंगे तो, और ये रिवर्स के ऊपर आपकी क्लास होगी। और इस क्लास को आप एनरोल कर सकते हैं, मेरे प्रोफाइल पर जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। दूसरी एक और ज़रूरी सूचना, आज ही से नया बैच ऑन GSB लागू हो रहा है, तो आप में से जो भी लोग आप चाह रहे हैं कि हमारे साथ आप पूरी GS पढ़ना चाहते हैं कि यार संपूर्ण GS जो काफ़ी ट्रिकी आई थी इस बार, नए पैटर्न पर, पैटर्न अडाप्ट हो चुका है नया तुरंत ही, तो नए पैटर्न के ऊपर आगे भी अब GS का पैटर्न डीप ही आएगा, काफ़ी डीप आएगा, तो इसके ऊपर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हैं। ये हैं आपके अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस का सारा हिसाब किताब, सारी प्राइसिंग जितनी भी होती है और बाकी सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। कोई भी डाउट आउट हो तो आप मुझे आराम से पूछ सकते हैं। ये आपके सब्सक्रिप्शन पैकेजेस हैं, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स, ये आपके आइडियल पैकेजेस होते हैं। और देन यू हैव अ स्पेशल डिस्काउंट LAB Lab, दैट्स योर स्पेशल डिस्काउंट कोड। अगर आप चाहते हैं यार पैसा भी, आपको लग रहा है भाई साहब थोड़ा कुछ 1,000-1,500 छूट जाता तो बड़ा बढ़िया होता, इन दैट केस यू कैन टेक अप 24 मंथ सब्सक्रिप्शन एंड दिस वन। ठीक है, ये आपको डिस्काउंट उस केस में आप ले सकते हैं, नहीं तो बहुत बढ़िया बात है, ज़्यादा पैसा किसको खलता है भाई, कोई बुराई नहीं है। ठीक, चलिए क्लियर। आज फिजिक्स है और आज ही से शायद आपका GS का नया बैच जिसमें केमिस्ट्री शुरुआत हो रही है वो भी लॉन्च है। सर CET की एक्सपेक्टेड डेट क्या है दोस्त? हाँ, फ्री में होगा यार, फ्री में होगा, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्री में ही होगा एकदम पूरी तरीके से। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सब कुछ फ्री है इसमें, टेस्ट सीरीज भी फ्री है इसमें, सब कुछ फ्री है। एंड यू विल बी लर्निंग सम ग्रेट लेवल थिंग्स, जो रीसेंट पैटर्न अभी हमने एग्जाम में देखा है कि केमिस्ट्री हमसे काफ़ी डीप पूछी गई थी, इतनी डीप बुक्स में भी नहीं होती है, 10th तक की किताबों में नहीं होती है। अगर आपको उतनी डीप पढ़नी है तो आपको 11वीं 12वीं की ही केमिस्ट्री उठानी पड़ेगी, तब जाकर के आप उतनी डीप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बट वो सेलेक्टेड चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ों को सिलेक्शन करना हमारा काम है, वो आपका काम नहीं है कि आप ढूंढ रहे हैं यार उतनी डीप केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, वो सारी चीज़ें हमारा काम है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो अभी नया फिजिक्स का भी बैच आया वो भी हम काफ़ी डीप जा करके देख रहे हैं। हालांकि फिजिक्स में आया नहीं है डीप, बड़ा ऊपर ऊपर आया था, लेकिन केमिस्ट्री बहुत डीप आई थी, हो सकता है अगली बार फिजिक्स डीप आ जाए, तो हम डीपली ही एक्सप्लोर कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स को। ठीक बात है, चलो फिर बाय बाय, टाटा, टेक केयर। हाँ जी, यस, सारे GS के बैच में सारे GS के टॉपिक्स कवर होंगे, ऑल द GS। ये का लगभग 3-4 महीने चलेगा आपका GS का बैच, और 3-4 महीने चलेगा आपका GS का बैच, और इसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे। इसी के साथ में आपका 5 महीने चलेगा, क्योंकि बीच में आपका मैथ्स का बैच भी आ रहा है, नया बैच मैथ्स का भी शुरू हो रहा है 24 तारीख से। ये सारे बैचेस आपके इसी सब्सक्रिप्शन में ही इंक्लूडेड है, एंड दिस इज द स्पेशल डिस्काउंट कोड LAB Lab फॉर योर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आप अगस्त में ले रहे हैं तो कुछ ऑफर भी चल रहे हैं, देख लेना यार, ये ऑफर भी सेम है, ये ऑफर भी आप अवेल कर सकते हैं, सेम थिंग, आप वही ऑप्शन सेम ही होते हैं। LAB Lab इसका भी डिस्काउंट कोड है, इन ऑप्शंस को लेने के लिए भी वही सेम डिस्काउंटिंग कोड है, दैट इज LAB Lab। ठीक बात, बढ़िया। चलो, लिंक में आपको लिंक नहीं मिला क्या? अच्छा ठीक है, क्वांट्स आपका शुरू हो रहा है 24 तारीख से दोस्त, क्वांट्स का जो नया बैच है वो 24 तारीख से आ रहा है, GS का आज शुरू हो रहा है। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टाटा, टेक केयर। CET की एक्सपेक्टेड डेट होगी फेब्रुवरी या मार्च आएगी, लगभग 7-8 महीने का समय है अभी आपके पास, आइडियल टाइम है यार, आइडियल टाइम है, टाइमली प्रिपरेशन, मतलब प्लस और नॉन प्लस जो भी है, डीप प्रिपरेशन शुरू करना एकदम डीप, और अभी 7-8 महीने पहले प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू कर देना, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलो गाइस, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया लगा आपके संग मुलाकात करके सुबह सुबह, ऑल द वेरी बेस्ट, खूब बढ़िया से पढ़िए लिखिए, और डेली सुबह 7 बजे आपका ये करंट अफेयर्स की क्लास होती है, इसको आप डेली सुबह सुबह जरूर से अटेंड कर लें, इसको बिना भूलें। ठीक बात है, चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ओके, लिंक सेंड कर दूं काहे का, बैच का, आप मेरे प्रोफाइल में जाओ, नहीं तो फिर मेरे टेलीग्राम में है यार वो, मेरा टेलीग्राम है AmanSRV AMANSRV, आप फिर उसमें ले सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, वहाँ पर सारे लिंक है, नए बैचेस के जो लिंक है वो वहाँ पर अवेलेबल है। जी चल।